स्वागत है फ्रेंड आप सभी का जी स्टडी चैनल में। और डीआरडीओ चैप्टर 9 AA की तैयारी चल रहा है, जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन जो कि यहां पे आज रिलीज करने जा रहा हूं। रिलीज करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए यूजर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो मुंबई बंदरगाह था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है। तो फ्रेंड ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप कोलकाता लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल में एक खरा ग्रह कौन सा है? फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक खरा ग्रह जो सौरमंडल में वो कौन सा है, तो वो ग्रह जो कि अरुण ग्रह माना जाता है, जो कि ग्रह के आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है और सूरज की दूरी पे सातवां स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि खरा ग्रह सूरज की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है, तो आप 84 वर्ष कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रक्त समूह के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किससे संबंधित है? फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है, तो जो कि रक्त समूह यानी कि सारे लोगों का खून ले सकता है वो ए बी है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि ए बी की खोज यानी कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ए बी की खोज कब की गई, तो आप लिख लेना 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस जो कि फ्रेंड 6 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया, तो आप लिखना 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नासा द्वारा खोजे गए पहले नज़दीकी सुपर अर्थ प्लैनेट का क्या नाम है? फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सुपर अर्थ प्लैनेट का क्या नाम है जो नासा द्वारा खोजे गए हैं, तो उसका नाम जो कि GJ357 है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि एक्सोप्लैनेट मिशन जो कि सुपर अर्थ प्लैनेट का क्या नाम है, तो आप वही लिखना GJ357। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई जाएगी? फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई जाएगी, तो जो कि शपथ दिलाया गया था यहाँ पे गोटाबाया राजपक्षे को यहाँ पे शपथ दिलाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे के प्रतिद्वंदी कौन थे, तो आपको यहाँ पे लिखना है सजीत प्रेमादास, जो कि यहाँ पे 52% वोटों से हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने किसानों के लिए ई गन्ना ऐप लॉन्च किया? फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई गन्ना ऐप किसानों के लिए किस राज्य ने लॉन्च किया, जो कि यहाँ पे लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे ई गन्ना ऐप लॉन्च किया था, तो फ्रेंड ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ई गन्ना ऐप किसने लॉन्च किया, तो आपको लिखना है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ई गन्ना ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गुड एयर समिट 2019 का विषय क्या था? फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गुड एयर समिट 2019 का विषय क्या था, तो फ्रेंड ये एक मिशन था जिसे नाम दिया गया मेकिंग इंडिया मिशन, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस देश का नाम बताओ जिसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विश्व का सबसे बड़ा परिवहन स्पेसशिप लॉन्च किया। फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस देश का नाम बताओ जिसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विश्व का सबसे बड़ा परिवहन स्पेसशिप लॉन्च किया, तो फ्रेंड जो कि जापान ने यहाँ पे परिवहन स्पेसशिप लॉन्च किया था, इसलिए ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका नाम जो कि H2B रॉकेट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लघु उपग्रह रमन सेतु का प्रक्षेपण किसने किया? फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया कि लघु उपग्रह रमन सेतु का प्रक्षेपण किसने किया, तो फ्रेंड जो कि नासा ने यहाँ पे लघु उपग्रह रमन सेतु का प्रक्षेपण किया था, इसलिए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 17 वर्षीय नई दिल्ली में स्थित भारतीय छात्र आवासिका ने किस उपग्रह का यहाँ पे प्रक्षेपण किया था, तो आपने आंसर लिखना है रमन सेतु का यहाँ पे आवासिका ने प्रक्षेपण किया था। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे DRDO की हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में।